हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हम सब भाई भाई, क्योंकि हम सभी का खून लाल रंग का होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये खून लाल रंग का ही क्यों होता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। खून में दो भाग होते हैं, यानी कि ब्लड में टू पार्ट, तरल और ठोस। द्रव भाग यानी कि लिक्विड, जिसमें प्लाज्मा, और ठोस भाग में सफ़ेद रक्त कण, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जब भी हमें फीवर आता है तो डॉक्टर इन्हीं को चेक करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए हमें भेजता है। खून लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। सीधी सी बात कहें तो हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल रंग का होता है, जो कि लौह यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। रक्त लाल होता है यहाँ तक कि जब यह ऑक्सीजन रहित होता है तब भी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले शैक्षणिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।